नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज के खास खबर की ओर। पिछले दिनों एंकर रोहित रंजन ने अपने स्पेशल टीवी शो में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया था। इससे उनकी छवि धूमिल हुई। इस मामले में छत्तीसगढ़ की एक FIR दर्ज हुई। दो दिन पहले नोएडा में टीवी चैनल के बाहर प्रदर्शन करने और पुतला फूंकने का आरोप भी 19 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। रोहित रंजन पर राजस्थान में भी इस बयान को लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने के आरोपी जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की मंगलवार सुबह नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हो गई। शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस से हुई, जो तड़के 5:30 बजे रोहित के इंदिरापुरम स्थित घर के बाहर पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस देख रोहित ने ट्वीट कर यूपी पुलिस से मदद मांगी। गाजियाबाद पुलिस ने उनके ट्वीट का जवाब ट्वीट में दिया कि वे मदद के लिए जरूर कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर पुलिस ने भी एंकर को इन्फॉर्म किया, वो भी ट्वीट के जरिए कहा कि जांच में सहयोग करें। इस बीच गाजियाबाद के इंदिरापुरम की पुलिस भी रोहित के घर पहुंच गई। वहां रोहित की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर और इंदिरापुरम पुलिस के बीच में खींचतान चल रही थी कि नोएडा पुलिस की एंट्री हुई। नोएडा पुलिस ने कहा कि उनके यहाँ रोहित के खिलाफ केस दर्ज है और वह रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार करके ले गई। रोहित रंजन ने मंगलवार सुबह 6:16 में ट्वीट करते हुए लिखा कि बिना लोकल पुलिस की जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या वे कानूनन सही हैं? रोहित ने इस ट्वीट यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, SSP गाजियाबाद और AGD जोन लखनऊ को टैग भी किया था, लेकिन फिर भी आखिरकार उन्होंने गलत बयान दिया था और राहुल गांधी के इमेज को धूमिल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ अगली खबर में। तब तक देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।